नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कई वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। फ्रांस से इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल फाइटर जेट भारत आ रहे हैं। ये विमान बुधवार को हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। फ्रांस के साथ हुई इस पूरी डील में कई तरह की अड़चनें थी, क्योंकि राफेल को भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार करवाना था। इस पूरी प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले वायुसेना के एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद राठेर की अहम भूमिका रही है। अब 5 राफेल भारत के लिए उड़ान भर चुका है। राफेल में एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद को देख कश्मीरी खुशी से झूम उठे और ट्विटर पर हैशटैग अनंतनाग टॉप ट्रेंड में आ गया। @BeingSajidDar के ट्विटर हैंडल ने अक्टूबर 2019 का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद राठेर राफेल की शस्त्र पूजा की तैयारियों में जुटे दिख रहे हैं। ट्विटर हैंडल @ShaukatQureshi ने भी हिलाल को अपना गौरव बताया और कहा कि ये कश्मीर के लिए गौरव का क्षण है। इन्होंने ट्वीट किया कि राफेल का पहला पायलट विंग कमांडर हिलाल अहमद राठेर कश्मीर के अनंतनाग से हैं। उन्होंने एनडीए में ऑनर ऑफ शॉर्ट जीता था और अभी वो भारत के सबसे कुशल पायलट में से एक हैं। इसी तरह @Shah1D_Hasan ने लिखा कि यूनिफॉर्म में दिख रहा व्यक्ति भारतीय वायुसेना के एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद है। वो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले हैं। वास्तव में ये गर्व का क्षण है। इस तरह #अनंतनाग पर ट्वीट्स की अंबार लगी है, जिनके जरिए कश्मीरी दिल खोलकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके बीच का एक व्यक्ति भारतीय वायुसेना में इतने बड़े पद पर जो पहुंचा है। एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद अभी फ्रांस में है और भारतीय वायुसेना के एयर अटैच के रूप में तैनात है। यानी फ्रांस में भारतीय वायुसेना की अगुवाई वही करते हैं, जिन्हें लगातार फ्रांस में भारत के राजदूत के साथ देखा भी जाता रहा है। हिलाल अहमद कश्मीर के अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ के बख्शियाबाद इलाके से हैं। उन्होंने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी, जिसके बाद 1988 में वायुसेना ज्वाइन कर ली। शुरुआत एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट से हुई और अब वो एक एयर कॉमोडोर हैं। अगर उनके रिकॉर्ड पर नजर डाले तो उन्होंने अब तक MiG-21, Mirage 2000 और किरण एयरक्राफ्ट को करीब 3000 घंटे तक उड़ाया हुआ है। उन्हें वायुसेना मेडल से नवाजा गया है, जो उन्हें बतौर विंग कमांडर 2010 में मिला था। इसके अलावा विशिष्ट सेवा मेडल से तब नवाजा गया, जब वो 2016 में ग्रुप कैप्टन थे। अब उन्होंने राफेल के डील में अहम भूमिका निभाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।